कोयलांचल की काली धरती एक बार फिर रक्त से लाल हो गई। धनबाद जिले के बागमारा अंतर्गत केकेसी साइडिंग में सीआईएसएफ और कथाकथित कोयला चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआईएसएफ के जवानों ने आधा दर्जन कथाकथित कोयला चोरों को ढेर कर दिया, जिसमें से मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई और दो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। सीआईएसएफ के जवानों की माने तो कोयला चोरों की ओर से क्यूआर टीम पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सीआईएसएफ के क्यूआर टीम के जवानों ने गोलियां चलाई। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में भय व्याप्त है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए हैं। मृतक के परिजनों आंसू बहा रहे हैं। मृतक के परिजनों की माने तो सीआईएसएफ के जवानों को गोली नहीं चलानी चाहिए थी, साथ ही परिजनों ने कोयला चोरों की ओर से हुई फायरिंग को गलत बताया है। परिजनों का यह भी आरोप है कि आसपास के इलाके के और भी 5 युवक लापता हैं, जो वहां से कोयला लाने गए थे। परिजनों की माने तो सीआईएसएफ उन्हें भी गोली मारकर उनके शव को ठिकाने लगा दिए है। घटनास्थल का जांच करने पहुंचे जिले के एसडीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो जांच टीम की भी गठन की जाएगी। घटना के हर एक पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि सीआईएसएफ के जवानों ने किन परिस्थितियों में गोलियां चलाई। घटना घटित हुई है रात में, अभी सूचना पे आए हैं, लगातार पकड़ो यार देखने के लिए। बाकी टोटल ब्रीफ में आपको पूरे सूचना मिल जाता है, उसके बाद आप लोगों को। अभी जो जांच को पहुंचे सर, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ सामने आया? अभी तो विधि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, कुछ घटना घटित हुई है, पूरा विस्तृत जानकारी आपको थोड़ी देर में। कितने मौत? 4 मौत बताई जा रही है सीआईएसएफ के गोली से। अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा नाम सहित आप लोगों को बता दिया। इंजर्ड कितने हैं सर? 2 लोग का इंजर्ड होने का है और बाकी हॉस्पिटल में है। अभी पूरे नाम के साथ में संख्या सभी चीज बता दी जाए। कितने लोगों की मौत हुई है सर? कैजुअल्टी सर अभी पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी हो जाने में बता दिया। सर कोयला को लेकर मजदूर यहाँ आए थे, तो आखिर मर्जी तो कहीं आएंगे, कहीं ना कहीं किसी तरह से मिली वक्त तो होगा। और सीआईएसएफ इस तरह कार्रवाई किस रूप से देख रहे हैं और क्या कार्रवाई होगी उन पर? पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है, उसके बाद बता दिया। कोई जांच कमेटी भी गठित की गई है क्या? बातचीत सर देखते हैं, जैसा ये रहेगा जांच कमेटी बैठने की जरूरत होगा तो बैठाया जाएगा। सर सीआईएसएफ ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें कहा है कि क्यूआरटी टीम पे जो है हमला बोल दिया और इसी दौरान जो है इनके बंदूक से गोली चली और मौत हो गई। वो देख रहे हैं हम लोग, उसको आ जाने दीजिए, क्या रिपोर्ट दिए हैं उन लोग। हम लोग स्थानीय पुलिस स्तर से भी परिजन से बातचीत अभी नहीं हुई, अब हम लोग कर रहे हैं, जस्ट आए हैं। सीआईएसएफ के डीआईजी विनय कजला 4 लोगों के मौत पर शोक जाहिर की। डीआईजी विनय कजला की माने तो सीआईएसएफ के जवानों पर 40-50 की संख्या में कोयला तस्करों के द्वारा हमला बोल दिया गया था, जिसकी अपनी सुरक्षा के जवाब में कार्रवाई में सीआईएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सीआईएसएफ के इस कार्रवाई का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि बड़े सीआईएसएफ कोयला तस्करों को संरक्षण देकर गरीब और निहत्ते पर गोलियां बरसा रही हैं। उन्हें साफ लफ्जों में कहा कि सीआईएसएफ के कुछ कथाकथित अधिकारी के संरक्षण के बिना कोयला चोरी संभव नहीं है। इसमें सीआईएसएफ के लोगों ने गोलियां चलाई हैं, इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है और खबर मिली है 2-3 लोग घायल भी हैं। मैं समझता हूँ कि सीआईएसएफ को जो जवाबदेही जिम्मेवारी दी गई है, वो जवाबदेही और जिम्मेवारी का वो सही तरीके से पालन नहीं करेगी और करने के लिए गरीब और निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसा रही है। बल्कि मेरा ये मानना है कि कोयला की चोरी जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम, इसको कहते हैं हिंदी में संगठित अपराध, और ये संगठित अपराध सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तथा कथित कुछ अधिकारियों के बिना संरक्षण के संभव नहीं है। हमारे स्टेट की पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन सीआईएसएफ का काम है कि जो उनके केंद्र प्रायोजित संसाधन है उसकी रक्षा करना। बहरहाल यह सवाल है,
कि इतनी बड़ी घटना के बाद क्या कोयला चोरी पर अंकुश लगेगा, क्या जिला पुलिस सीआईएसएफ और कथाकथित कोयला चोरों के बीच हुई मुठभेड़ की सच्चाई को सामने ला पाएगी। अब जनता और मृतक के परिजन पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इंसाफ के लिए परिजन और समाज के लोग सड़क पर भी उतरेंगे और आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। हमारी तरफ से अभी पूरी विस्तृत जांच हो रही है। सबसे पहले मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा उन परिजनों से जिन्होंने कल जो यहाँ अटेम्प्ट हुआ था हमारे बल कर्मियों पे असॉल्ट करने का और उनको वर्चुअली गाड़ी से खींच के जो निकाला उस प्रक्रिया में जो अपने बचाव में फायरिंग हुई है उसमें चार लोग हताहत हुए हैं और दो इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये कुछ देर पहले रात को करीब 12:15 बजे लोग निकले थे उस इलाके से और उन्होंने कुछ मोटरसाइकिल से जाते हुए लोगों को चैलेंज किया था। जब ये यहाँ आ गए थे बनेडी में देखने आगे की क्या रेलवे साइडिंग में तो सब शांत और उसके उपरांत जब ये वापस निकलने लगे QRTT तब इनके ऊपर करीब करीब 40 से 50 मोटरसाइकिल 90 से 100 कोयला तस्कर एवं असामाजिक तत्व आ गए और उनके ऊपर धावा बोला। उसके दौरान जो QRT इंचार्ज उसको निकाल के गाड़ी से बाहर घसीटा गया और ले जा रहे थे तब हमारे दूसरे जो QRT का बल सदस्य ने अपने उनकी जान माल की रक्षा के लिए एवं अपने खुद की वेपन की रक्षा खुद की जान माल की रक्षा के लिए फायरिंग हवा में करने की कोशिश करी और किसी कारणवश जो उनके झुंड जो उनको लपेटा हुआ था वो भी उनका वेपन खींचा तान कर रहा था तो उस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो वेपन की जो फायरिंग हुई है वो घातक फायरिंग साबित हुई और जिसके कारण एक बड़ी ही दुखद घटना हम लोगों के लिए यहाँ घटी है। हम लोगों की पूरी सहानुभूति रहती है इस इलाके के लोगों के साथ और मैं जब से आया हूँ तो हम लोग बस्तियों में भी कई कार्यक्रम अभी गुरु नानक संस्था के दिन सेलिब्रेशन के दिन भी हमने कंबल वितरण किया था अलग अलग बस्तियों में जाके तो इनकी जो समस्याएं हैं उनसे हम पूरे अवगत हैं। पर ये जो मिल के ये 3 नवंबर को भी एक घटना घटी थी गोविंद ये एरिया एक एरिया खासा गांव में उस दौरान भी यही 150 लोगों का पत्थरबाजी एक साथ करना उस वक्त हवाई फायरिंग ही हुई और उसमें मैंने पट गए। हाँ दो बलकर्मी जो QRT के थे दोनों के दोनों को इंजरी हैं अभी CS सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अभी इस पूरी प्रक्रिया की जांच होगी कि क्यों ये इस तरह का हुआ और आगे के लिए कैसे हम ये लोग ये अवॉइड कर सकें कि उन सब स्थितियों को ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे। कमेटी भी गठित की सब हम पूरी प्रक्रिया है जिसको हम पूरा छानबीन करेंगे ताकि जो जो कमियां पाई गई है जो रिस्पांस है। हमारी समस्या ये रही कि कुछ हमारे सदस्य बल सदस्य काफ़ी आगे थे और कैमरा भी छोटा है वो 200 मीटर आगे है तो उसके भी CCTV फुटेज में कोई साफ फुटेज इस इलाके में जहाँ आप देख रहे हैं शुरुआत है इससे आगे आपके कैमरे जाएंगे तो लगभग 500 मीटर तक की रेलवे साइडिंग है और इस 500 मीटर में 200 मीटर दूर हमारे बाकी बल सदस्य थे। पहले यहाँ 2 सदस्य लगते थे पर चोरी की लगातार समस्या आने के कारण यहाँ 3 बनाए गए थे। 17 अगस्त को भी यहाँ छीना झपटी की कोशिश हुई थी तब ASI ने 2 राउंड पिस्टल से हवाई फायर किया था तो ये इलाका काफ़ी हमारे लिए कंसर्न का इलाका रहा है और CISF का यहाँ के पूरी प्रणाली में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कोयला है यहाँ का हम यदि देखें तो ये कोकिंग कोल है जो कि पूरी देश के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है काफ़ी स्टील ग्रेड क्वालिटी का है जो स्टील प्लांट थर्मल पावर प्लांट्स के लिए यूज़ होता है तो इस एरिया का प्रोडक्शन को सेफ्टी मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग में 6 लोगों को गोली लग जाती है कल ये हवाई फायरिंग नहीं हुई है क्योंकि आपने जैसे मैंने पहले भी बताया
कि कुछ लोगों ने आके उसके से वेपन छीना है, जो बंदे है उसके ऊपर आप ये लगा लीजिए 21 बाइकें हमें मिली। तो सर ये जो गोली सर पे कैसे लग गई, अगर हवाई फायरिंग की या हवाई फायरिंग की कोशिश की गई, जांच की जा रही है, अभी जांच होगी उसकी कैसे जानने में। आप ये देख लेना 21 मोटरसाइकिल हमें मिली है। ये तो आपका पक्ष सही है, लेकिन ये बताया जाए कि ये जो बाइक कल आई है यहाँ पर इतने दर्जनों में, वो पहली बार तो यहाँ नहीं आई है, कहीं ना कहीं सीएसएफ से छूट मिलती थी, यही कारण है कि उसका हिम्मत था और यहाँ पर आ रही थी। तो इस पर क्या जांच होगी? इस पे सब जांच होगी। एक अहम सवाल, लगातार जिले में किसी कोयले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीएसएफ पर है, लेकिन कोयला चोरी बदस्तूर जारी है। इसमें दो प्रक्रिया है, एक है डिपार्टमेंटल माइन जिसके लिए हमारा सर्वे किया गया था, एक है आउटसोर्सिंग माइन जो जिसमें से ये लोग निकले हैं कल रात को। आम्बे आउटसोर्सिंग माइन वो आउटसोर्सिंग है जिसमें सीएसएफ की तैनाती नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने लिखा है कि एडिशनल ट्रूप्स चाहिए होंगे कि यहाँ पे पूरी यदि हमको एरिया कवर करने हैं बेहतर तरीके से, तो और सदस्य बल सदस्य की ज़रूरत होगी, वो सीआईएसएफ से हों चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हों, पर बिना पुख्ता अरेंजमेंट के, क्योंकि यहाँ बस्तियाँ 200 बस्तियाँ हैं, 300,000 लोग हैं जो उन बस्तियों में विराजमान हैं, जिनकी रोटी रोजी इस पूरी प्रक्रिया से चलती है, तो इतने तादाद में जो लोगों का आना जाना है इसी माइनिंग क्षेत्र में। बीसीसीएल का यूनिक है कि एसईसीएल में पॉपुलेशन प्रेशर इतना नहीं, वो हमसे 5 गुना कोयला पैदा करता है, पर बीसीसीएल का क्योंकि सबसे अहम और बड़े कम गहराई में अच्छा कोयला मिल पाता है, इसलिए यहाँ अबैंडन्ड इलीगल माइंस भी बहुत हैं, उन सब पे पिछले 5-6 महीनों से काफ़ी रोक लगाई जा रही है, जितनी इलीगल माइनिंग बैठ के वो रोक तो दिख नहीं रही है सर। रोक तो भरवाई हुई है, रोड में ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, बाइक हो, साइकिल हो, सभी कुछ दिखती, तो रोक कहाँ है? दिन और रात चलती है, पिकअप भी चलती है। ये आपका या तो पुलिस से आपको सहयोग नहीं मिल रही या फिर आप सहयोग लेना नहीं चाह रहे हैं? दोनों का सहयोग से ही काम होता है, कोई अकेला संस्था को सहयोग मिल रहा है, हमें पुलिस का पूरा सहयोग है। मैं चोरी रुक नहीं रहा सर, और उसका नतीजा सर इस तरह की घटना है। हाँ, इन सबका जांच होगा कि कैसे सुरक्षा प्रणाली को और बेहतर किया जा सके। सीएसएफ को अपना दोषी मानते हैं सर इस घटना के लिए? अभी के इस घटना में सर जो अब तक आप अभी तक जो आपने जांच किया है, इसमें आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है इस घटना के लिए? खुद जांच का विषय है, जांच का विषय। इस घटना के बाद सर कोयला चोरी में रोक लगेगी? एरिया एक से लेकर 5 तक अगर देखा जाए जो बागमारा पुलिस अनुमंडल है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि दर्जनों माइंस नहीं है, और दिन के उजाले में वो चलते हैं, सीआईएसएफ रहती है, लेकिन ना जाने वो ड्यूटी क्यों नहीं करना चाहते, और जब ड्यूटी करती है तो लोगों को हताहत करती है। आपको कितने इंसिडेंट मिले हैं हताहत पिछले 10 सालों में? अभी तो फिलहाल सर वर्तमान में 4 है। नहीं, ये इंसिडेंट कोई और आप बता रहे हैं कोई ऐसा इंसिडेंट? मेरे को तो पिछले 14-15 साल सर ये 4 तो बड़ी हताहत है। मैं ये मान रहा हूँ कि कल जो हुआ है वो बड़ा ही, क्योंकि ड्यूटी जब याद आई सीएसएफ को तो इस तरह की घटना हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे, काम करेंगे कि इसको कैसे बेहतर, क्या लगता है मृतक के परिजनों को आप न्याय दिला पाएंगे? ये जांच का विषय है। घायल व्यक्ति का नाम बताइए सर, जो घायल है ये सब देखो।